पूरे शहर में हमारे खानदान को लल्लू पुंजू गिना जाता था, लेकिन एक चीज की हनक थी जिससे हमारे परिवार के सामने आने से लोग डरते थे, और वो थी हमारे परिवार की खानदानी मूछ। पूरी बिरादरी में हमारा खानदान मूछों वालों के घर के नाम से मशहूर था। हमारे दादाजी की खौफनाक पाव भर मूछे हुआ करती थी, जो भेड़िए की दुम की तरह घनी और थोड़ा ऊपर उठ कर गई थी। उनकी मूछों के दर्शन करने के लिए घर के बाहर मीलों लंबी लाइन लगा करती थी, और जो लोग भी उनके दर्शन करने के लिए आते थे वो यही कहते थे कि हाय दैया, अब इंडिया में ऐसी मूछें क्यों नहीं पैदा होती। दादी से ज्यादा तो दादाजी अपनी मूछ की हेल्थ का ध्यान रखते थे। रोज रात में 2 कटोरी मलाई खाते थे, और आधे से ज्यादा मलाई तो उनकी मूछों पर लगी रह जाती थी। हमारे परिवार को सख्त तादीक थी कि कोई भी इंसान अगर चिकनी चुपड़ी चीजें खाता है, जैसे कबाब, पराठा, हलवा, तो वो अपने हाथ तौलिए में पोंछने की बजाय सीधा जाकर दादाजी की मूछों पर साफ करेगा, ताकि उनकी मूछों की शाइन बनी रहे। फिर आया हमारे पिताजी का दौर। वो अपनी मूछों को मोम और न जाने किन किन लोशनों से 10:10 पर टिका दिया करते थे। करवा चौथ पर अम्मा हमारी बाबूजी की जगह पर उनकी मूछों के लिए व्रत रखा करती थी, ताकि उनकी सुइयां सरकने ना पाए। फिर आई हमारी बारी। पिताजी ने हमारा ब्याह तय करा दिया था। स्टेज पे हमारे सामने हमारी दुल्हन खड़ी थी, इतना लंबा घूंघट काढ़े थी, लेकिन न जाने उसने कैसे हमारी 9.25 मूछें देख ली और झट से वरमाला उसी पर डाल दिया बिना कुछ सोचे समझे। उस वक्त आई लव यू कहने का दौर नहीं था, वरना बहुत प्यार से बोलती, डार्लिंग आई लव योर मूछें ओनली। फिर बारी आती है हमारे इकलौते नूर चश्म साहबजादे की। उनके पैरों में हमारे जूते आने लगे हैं, तो मतलब जवान हो चुके हैं। तो एक फिक्र हो गई हमें कि कहीं उनकी मूछें गलत राह ना पकड़ ले। फिर हमने उनकी अम्मा को बुलाया, उनकी अम्मा से पूछा, कहाँ हैं आपके साहबजादे? और वो बोली, अभी अभी वो लौटा है कॉलेज से हड़ताल कराकर, 2-4 बसों में आग लगाई है उसने, थका माता आके सो गया है वो। तो देखा आपने इनकी अम्मा क्या क्या कह रही हैं। अरे हम तो सोचे थे कि इनकी नाक के नीचे जो महीन महीन रोए उगाए हैं, तो सोचा कि इनका थोड़ा डेवलपमेंट कर दें। तो चलो हमने अपने लड़के को बुलावा भेज दिया। साहबजादे जब हमारे सामने आए तो हमारे होश उड़ गए। बाप दादाओं की मूछ की अजमत मानो चूहे को उतर रहे हो। उनके नाक के नीचे दोनों तरफ मरी हुई चूहिया की पूंछ लटक रही हो, और बीच में सफाचट। भैया आपकी मूछे कहाँ हैं? और वो बोले, डैडी मूछ भी कोई काला धन है जिसे स्विस बैंक में जमा करा दूंगा। अरे दिस इज चाइनीज स्टाइल ऑफ मूछ डैडी। फिर हमने अपना सर पीट लिया और दहाड़ के कहा, अरे नामाकुल, अपने दादा की मूछे देख, अपने परदादा की मूछे देख, अरे अपने बाप की मूछे देख, अभी भी इस ढलती जवानी में 9:15 बजा रही है, और तेरी नासिक मूछ इस जवानी में लटक कर 6:30 बजा रही है। लानत है बेटे, लानत है तुम पर। मेरा दुख भांप कर मेरी बीवी मेरे पास आई, और उसने मुझे प्यार से समझाया। उसने कहा कि इस दौर में जब सच्चाई, ईमानदारी, इंसानियत, इंसाफ सब गड्ढे में गिरा जा रहा है, तो मूछ कब तक उठी रह सकती है। मेरी इस उम्र में मुझे इस चीज पर फक्र है कि मेरी मूछे आज भी 9:15 बजा रही। मैंने उसकी नम आंखें पोंछ दी